हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि तंदूरी चिकन मलाई कैसे बनता है और आप इसको घर पर बैठ के कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और क्या उसका प्रोसीजर है। सो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और अगर आपको मेरा प्रोसीजर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। ये रहा 1 kg चिकन। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिनेट करेंगे, ठीक है। और जो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डालेंगे मैरिनेशन के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रहा 1 कटोरी दही, ये रहा 1 कटोरी अमूल, ये रहा थोड़ा सा बटर फॉर द मैरिनेशन, क्योंकि जब वो रोस्ट होगा तो उस पर थोड़ा उसको मतलब स्टिक ना हो, तो उसके लिए हमने इसको बटर से करेंगे, सो दैट जूसी भी रहे थोड़ा सा। और ये रहा कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी 1 चम्मच। ये रहा 1 चम्मच जिंजर, जिसको कि मैंने खुद पेस्ट बनाया है ग्राइंड करके। और ये रहा गार्लिक, ये भी 5-6 क्लोव्स हैं, इनको मैंने पेस्ट बनाया ग्राइंड करके। ये रहा स्वाद अनुसार नमक, और ये रही 1 रेड चिली फ्लेक्स। ये रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसलिए डाल रहा हूँ इसमें, सो दैट जब आप उस चिकन को बाइट करें तो उसका फ्लेवर आए। हमें उसको तीखा नहीं बनाना, और जब आप बाइट करेंगे तो उसका एक तीखापन आएगा हल्का सा। ये रही काली मिर्च 1/2 चम्मच। ये रही दालचीनी, इस ये मैंने एक छोटी सी स्टिक ली है, उसको खुद ही मैंने पीसा है। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अपना चिकन में, मलाई चिकन में। और ये 5 से 6 छोटी इलायची ग्रीन वाली, इसको भी मैंने ग्राइंड किया। और ये रहा ऑरिगेनो, 1/2 चम्मच ऑरिगेनो है ये, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जब आप मलाई के ऊपर इसको थोड़ा, जैसे आप पास्ता खाते हैं तो उस पर भी ऑरिगेनो डालते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये रहा 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये रहे सारे इंग्रेडिएंट्स जिनको हम एक एक करके चिकन में डालेंगे मैरिनेशन के लिए, और उसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, सो दैट उसमें टेस्ट भी आए और उसमें फ्लेवर भी आए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम इसमें सारी चीज़ें डालते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने डाल दिया कर्ड, ये डाल रहे हैं हम इसमें अमूल क्रीम, ये रही कस्तूरी मेथी, ये रहा जिंजर, ये रहा गार्लिक, जिसको हमने खुद ही पेस्ट जिंजर और गार्लिक का अलग अलग करके पेस्ट बनाया था हमने। एक्चुअली जो घर पे हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाते हैं उसका ज़्यादा टेस्ट होता है। ये रहा नमक, ये रहे चिली फ्लेक्स, बिखरा के डालिए पानी में। ये रही काली मिर्च, ये रही दालचीनी, ये रहे इलायची छोटी इलायची ग्रीन वाली, ये रहा ऑरिगेनो, और ये रहा गरम मसाला। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। इस सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें, सो दैट इन सब का फ्लेवर आ जाए और सब अच्छी तरह चिकन पे स्टिक हो जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे, कम से कम 1 घंटे के लिए, बट बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। अब हमें 1/2 घंटा हो गया, अब इसको थोड़ा और हिला लेते हैं, सो देट जो हमने मसाला बनाया है मैरिनेशन का, वो अच्छी तरह बाकी जगहों पे भी स्टिक हो जाए और एक अच्छा फ्लेवर हमें मिले। तो इसको साथ के साथ हिलाते रहें। दोबारा कवर कर देते हैं। दोस्तों, 1 घंटा हमें हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। हमने इसमें ऑयल बाद में इसलिए ऐड किया है क्योंकि अगर हम पहले ऐड करते तो ये जो चिकन है ये मसाले को अच्छी तरह मैरिनेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब इसको 5 मिनट और रखेंगे और उसके बाद हम इसको सीखों में लगा देंगे। दोस्तों, जो आज हम अपना चिकन बनाएंगे वो आज हम इसमें बनाएंगे। ये रहा उषा का 360 डिग्री आर हेलोजन ओवन,
ये एक मल्टी फंक्शन है जिसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और टाइम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और जो ये स्ट्रेन करेगा उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। ये रहा इसका इंटरनल सिस्टम, ये रहा फ़ैन, ये रहा हेलोजन लैंप, आप देख सकते हैं वाइट कलर का, ये इलेक्ट्रिसिटी से जलता है, इसी से हीट जनरेट होती है और चीज़ें रोस्ट होती हैं। गाइस जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है थोड़ी देर में, तब तक हम इसकी ये जो है उषा का जो 360 हेलोजन है उसका हम ये तैयार कर लेते हैं। ये इसका रेडी हो गया, ये इसके सीखे हैं। अभी चिकन को हम इसमें डालेंगे, एक थोड़ा लूज लूज लगाइएगा इसे। ये देखिए, देखिए जी मैरिनेटेड को हमने कर दिया है, सीखों में डाल दिया है, बचा हुआ भी हम बाद में इसमें डालेंगे। अब ये एक एक करके हम सीख इसमें लगा देंगे अकॉर्डिंगली। ये देखिए इसमें फिट हो गई सीख, बहुत ही ईजिली फिट हो जाती है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए जी हमने सीखों में चिकन डाल दिया अपना मैरिनेटेड चिकन, कितना ही अच्छा लग रहा है, कितना ही इसमें हर चीज़ दिख रही है, ओरिगेनो दिख रहा है, चिली फ्लेक्स दिख रहा है, दालचीनी दिख रही है, इलायची दिख रही है, और फ्रैक्शंस भी काफ़ी अच्छी आ रही है, बनेगी तो और ज़्यादा आएगी। आइए अब इसको हम डालते हैं अपना हेलोजन एयर फ्रायर में, लगा दिया इसमें ऐसे। अब ये देखिए जो चिकन है इस पर जो ये मटेरियल बचा हुआ था उसको हम लगा देंगे अच्छी तरह इसके ऊपर, मैरिनेशन जो मसाला बचा हुआ था। अब इसको हम कर देंगे क्लोज। अब हम इसका टेम्परेचर सेट करेंगे और टाइम देंगे। टेम्परेचर कर देंगे इसका हम 200 और टाइम 30 मिनट्स ही रहने देंगे। तो ये हम स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, देखिए क्या आलीशान चीज़ बन रही है, मतलब घर बैठे आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जो हम बाज़ार के तंदूर में खाते हैं हम आप घर में बना सकते हैं। देखिए जो इसका टेम्परेचर हमने यहाँ फिक्स किया है और ये टाइमिंग फिक्स किया है, ये 29 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। और अगर आपको लगेगा इसको ओवर हीट करना है तो आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली और टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए अगर मैं टेम्परेचर इसका बढ़ाऊँ यहाँ पर प्लस का देखिए टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका, अकॉर्डिंगली कम भी हो जाता है। अभी मैंने 200 पे रखा है, देखिए अब ये बनता जा रहा है। जो इसके घूम रहा है ये बंद भी कर सकते हैं उस बटन से, देखिए बंद हो गया। अब दोबारा बटन क्लिक करूँगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बनने लग गया है, इस पे जो हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक आने लगा है इसका मतलब ये रोस्ट हो रहा है और पकना स्टार्ट हो चुका है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है इसकी, बाहर तक आ रही है, जिससे पता लगने लगा है बहुत यमी होने वाला है। देखिए इसमें ये आपको बबल्स दिखेंगे, इसका मतलब इसको सेक अच्छा लग रहा है। ये देखिए लाइट ऑटो कट हो गई है,
ये अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कट ऑफ करता है सो दैट प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहे। और ये देखिए ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो गया है जैसे कि रोस्ट होता है। देखिए जी इसमें टाइम रह गया है 13 मिनट्स और हम देखते हैं क्या हाल है हमारे चिकन का। वाओ ये देखिए क्या चीज़ बन रही है, गज़ब की चीज़। फ्रेगनेंस बाहर तक आ रही है इसकी, कोई फ्लेम नहीं कोई कुछ नहीं, सिर्फ हैलोजन लैंप से ये हो रहा है सारा। ये देखिए ये हैलोजन की पावर इतनी है कि इसको पूरा रोस्ट कर देगा। इसको ज़रा हम खोल के देखते हैं क्या हाल है हमारा चिकन। देखिए क्या लाजवाब चिकन बना, ये देखिए जनाब क्या चिकन बना। अभी आधा ही रोस्ट हुआ है, अभी इसको बटर का कोटिंग करेंगे उसके बाद और हीट करेंगे थोड़ा। अब हमने इसको बटर की कोटिंग कर ली है और इसको हम बंद करेंगे। तो ये अगेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। देखिए जी क्या सेक लग रहा है इसे, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सेक लग रहा है इसमें और अब बनने वाला है। ये देखिए जी टेम्परेचर 210 है और 1 मिनट रह गया बनने में। देखिए कितने अच्छे तरीके से पक चुका है, ये पूरा रोस्ट हो चुका है। ये देखिए बीप बज चुकी है इसमें, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है, इसके निकालने का टाइम आ चुका है। ये देखिए ये रेडी हो चुका है हमारा चिकन। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, क्या पीस लगे हैं खाने के लिए, बिल्कुल रेडी सी। देखिए जनाब गर्मा गर्म सीख लजीजदार। देखिए पूरा अंदर कैसे गल चुका है, देखिए ये देखिए लो जी हमारी सारी सीखें हो गई खाली। ये रहा हमारा चिकन मलाई तंदूरी, अब हम इसको टेस्ट करेंगे, अभी क्लोज़ कर लेते हैं सो दैट ठंडा ना हो। सो दोस्तों हमारा तंदूरी मलाई चिकन रेडी है, ये रहा। देखिए क्या खुशबू है, क्या लजीज खुशबू है, ये देखिए क्या कलर आया है, अब हम इसको करेंगे ट्राई। ये रहा देखिए, वाह देखिए क्या लजीज है, इसको करते हैं हम टेस्ट। ये देखिए कैसे कट रहा है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है और फिलिंग अंदर तक फिलिंग हुई है इसकी स्टफिंग। क्या बताऊं यार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं बताने के लिए, इतना टेस्टी इतना टेस्टी। जब आप घर पे ट्राई करेंगे आपको पता लगेगा कि कितना टेस्टी है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कुछ और आइटम आपको चाहिए कि मैं बनाऊं उसको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी के लिए थैंक यू, एंजॉय।